जी इंडिया ने पकड़ के भाई साहब बजा दिया है साउथ अफ्रीका को। पर पहले ही ओवर में इंडिया को संजू सैमसन का नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन उसके बाद और आज जो है वो अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा का कलहाड़ा चला और उसके सामने कोई टिक नहीं पाया। इमेजिन करें वो टीम जिसे लोग कहा करते थे ये तो घर के शेर हैं, वो घर के शेर आज बाहर भी बड़े बड़े शेर बनने लगे हैं। सब 11 रन से हरा दिया इंडिया ने। ओ भाई क्या मैच हुआ, लिटरली में ऐसे लग रहा था कि भैया इंडिया हार जाएगा। 220 रन का टारगेट मिलता है और उसके बाद ऐसी गेम प्लानिंग से और ऐसी अवेयरनेस से बॉलिंग की जाती है जो कि साउथ अफ्रीका को वो स्कोर नहीं चेस करने देती। पहले अभिषेक शर्मा ने जो 25 बॉलों पे 50 रन, 3 चौके, 5 छक्के, 200 के स्ट्राइक रेट से, और उसके बाद जब अभिषेक शर्मा आउट हुए तो तिलक वर्मा ने कलहाड़ा चलाया और अपनी जो पहली T20 की सेंचुरी बना दी। लेकिन आप कभी भी उसे पाकिस्तान से कंपेयर नहीं कर सकते। इंडिया की ए साइड है, बी साइड है, सी साइड है, अभी तो आप बी साइड से खेल रहे हैं। अभी कुलदीप यादव नहीं खेल रहे, अभी जसप्रीत बुमराह नहीं खेल रहे, अच्छे कुलदीप यादव नहीं खेल रहे, इनके मेन बॉलर्स नहीं खेल रहे अभी, तब भी इंडिया क्रिकेट टीम का ये हाल है। बड़ी दिलकश इनिंग्स खेली है आज तिलक वर्मा ने और उनका भरपूर साथ निभाया है अभिषेक शर्मा, जो बड़े टाइम बाद कुछ 4-5-6 T20 इंटरनेशनल के बाद उन्हें फॉर्म में देखा है। 25 बॉल्स पर उन्होंने भी हाफ सेंचुरी स्कोर की। द सूर्या कुमार यादव वंस अगेन पिछले T20 की तरह अब की बार भी ज्यादा रन नहीं कर पाए, लेकिन जो इंपोर्टेंस इंडिया के लिए मिसिंग था पिछले मैच में भी और उससे पिछले मैच में भी मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर की तरफ से, वो आज कुछ हद तक हार्दिक पांड्या ने दिया, फिर रमनदीप सिंह ने नीचे से आकर तेज रन किए, और ये वो दो फैक्टर हैं जो इंडिया के लिए पिछले 2-3 T20 से मिसिंग दिखाई दे रहा है कि नीचे से। तीसरे T20 मैच में भी भाई साहब 11 रन से हरा दिया इंडिया ने। ओ भाई क्या मैच हुआ, लिटरली में ऐसे लग रहा था कि भैया इंडिया हार जाएगा। एक समय पे ऐसे लगता था कि भैया साउथ अफ्रीका जीत रहा है, दूसरे समय पे ऐसे लगता था कि भैया इंडिया जीत रहा है। भाई मार्को जेनसन ने क्या मारा भाई हार्दिक पांड्या को। इंडिया ने तीसरे T20 मैच में दक्षिण अफ्रीका को 11 रनों से करारी शिकस्त दी और भारत 2-1 से इस T20 सीरीज में आगे हो गया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 219 रन का स्कोर खड़ा किया और जवाब में उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम 11 रनों से हार गई। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा के शानदार बैटिंग के बदौलत 219 रन का स्कोर खड़ा किया और 220 रन दक्षिण अफ्रीका को बनाने थे। दक्षिण अफ्रीका ने शानदार साझेदारी तो की मगर वो जीत दिलाने में सफल नहीं हो सके। भारत की शानदार गेंदबाजी के आगे वे चारों खाने चित हो गए। भारत के सबसे फलतन गेंदबाज T20 के अर्शदीप सिंह रहे। अर्शदीप सिंह ने लास्ट ओवर में जो बड़े महत्वपूर्ण विकेट लेते हुए भारत की झोली में यह मैच डाल दिया। भारत ने दक्षिण अफ्रीका से दूसरे T20 मैच में हार का बदला ले लिया और अब यह 4 T20 मैचों में भारत 2-1 से आगे है। भारत की बी टीम कही जाने वाली ने ऐसा धमाल मचाकर रखा है कि दक्षिण अफ्रीका के ए टीम से कहीं भारी पड़ रही है। न्यूजीलैंड के हाथों मिली हार में लोग इंडिया को घर का शेर कह रहे थे, मगर अब दक्षिण अफ्रीका में सेंचुरियन में जिस तरीके से भारतीय बल्लेबाजों ने धमाल मचाया कि अब विराट कोहली और रोहित शर्मा की कमी नहीं खल रही है। आइए आके देखते हैं कि पाक मीडिया क्या कुछ। इंडिया की बी टीम ने साउथ अफ्रीका को T20 के तीसरे मैच में हरा दिया। अब आप इमेजिन करें वो टीम जिसे लोग कहा करते थे ये तो घर के शेर हैं, वो घर के शेर आज बाहर भी बड़े बड़े शेर बनने लगे हैं। वो बड़े बड़े शेर साउथ अफ्रीका को जाकर साउथ अफ्रीका में ही हराने लगे हैं। 220 रन का टारगेट मिलता है और उसके बाद ऐसी गेम प्लानिंग से और ऐसी अवेयरनेस से बॉलिंग की जाती है जो कि साउथ अफ्रीका को वो स्कोर नहीं चेस करने देती। सबसे पहले मैं बात करूंगा इंडिया की बैटिंग लाइन की। देखिए ऐसे इंडिया के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से प्लेयर्स उठ के आए हैं कि अगर संजू सैमसन सेंचुरी करते हैं तो फिर दूसरे प्लेयर्स फेल हो जाते हैं। दूसरे प्लेयर्स फेल होने का नाम नहीं लेते तो संजू सैमसन स्कोर कर देते हैं, और संजू सैमसन अगर फेल हो जाए तो दूसरे प्लेयर्स चल पड़ते हैं। देखिए संजू सैमसन आज फेल हुए हैं, पिछले मैच में संजू सैमसन फेल हुए, आज अभिषेक शर्मा ने 50 लगा दी। अभिषेक शर्मा ने 50 लगाई तो उसके बाद साथ साथ तिलक वर्मा ने 100 लगा दिया। अब आप इमेजिन करें ऐसी टीम जिनके पास एक के बाद एक एक रिप्लेसमेंट में प्लेयर बैठा हुआ हो। देखो यार मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि पाकिस्तान की टीम से इंडिया की टीम बहुत बाहर है। वो ठीक है उनका कंसर्न है कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं आ रहे पाकिस्तान खेलने या उनकी जो भी सियासत के मामलात हैं, लेकिन आप कभी भी उसे पाकिस्तान से कंपेयर नहीं कर सकते। इंडिया की ए साइड है, बी साइड है, सी साइड है, अभी तो आप बी साइड से खेल रहे हैं। अभी कुलदीप यादव नहीं खेल रहे, अभी जसप्रीत बुमराह नहीं खेल रहे, अच्छे कुलदीप यादव नहीं खेल रहे, इनके मेन बॉलर्स नहीं खेल रहे अभी, तब भी इंडिया क्रिकेट टीम का ये हाल है। आप इमेजिन करिए कि ये टीम कितना ज्यादा तरक्की कर सकती है 2026 के वर्ल्ड कप में, कहां कहां जा सकती है, क्योंकि इन्होंने ना सिर्फ इंडिया में किसी को हराया है, आप ये नहीं कह सकते कि ये घर के शेर हैं, आप ये कह सकते हैं कि ये बाहर के भी शेर हैं, ये बाहर जाकर भी धाड़ते हैं। मैच के ऊपर अगर बात करें तो यार साउथ अफ्रीका ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। साउथ अफ्रीका ये मैच जीत भी सकता था अगर हेंड्रिक्स, क्लेसन वगैरह थोड़ा सा और तेज खेल लेते, अगर मिलर थोड़े से ज्यादा और स्कोर कर लेते, जीत सकता था ये मैच साउथ अफ्रीका। लेकिन अगेन
अर्शदीप से किस तरह ये तवक्को की जा सकती है कि वो आखिरी ओवर्स में आए और 18-18, 20-20 रन बनवा जाए। 18-20 रन तो छोड़िए, वो 8-7 रन भी नहीं बनने देते, वो ऐसे किस्म के बॉलर हैं। ये कैसे हो सकता है कि अर्शदीप सिंह एक ओवर में 25 रन दे दें? बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेली इंडिया ने, वेल प्लेड इंडियंस। मैं हमेशा आपको अप्रिशिएट करता हूं और इस वजह से हमेशा आपको बैक करता हूं, क्योंकि अच्छी टीम हमेशा तारीफों के काबिल है। क्या कहेंगे इस बारे में कि इंडिया क्या 3-1 से सीरीज जीत पाएगा? अब 4 बॉलों पे साउथ अफ्रीका को 18 रन चाहिए और अर्शदीप सिंह बॉलिंग कर रहे हैं और ये मार्को जैनसन जो है वो बच गया है भाई, बच गया है। अर्शदीप सिंह रिव्यू लेने के लिए कह रहे हैं भाई, सूर्या कुमार यादव ने रिव्यू ले लिया। अब देखना यह कि क्या ये जो अब आउट है, मुझे लग रहा है कि यार ये बंदा आउट है, अब क्या हो सकता है, देखना यह कि क्या ये आउट है। लेकिन ये मैच कहां से कहां आ गया है भाई, ये यानी कि ये है क्रिकेट भाई, और इसको बोलते हैं फाइट करना। जैसे जो साउथ अफ्रीका की टीम फाइट कर रही है, खास करके मार्को जैनसन अकेला खड़ा है वो बंदा और अकेला लड़ रहा है, अकेला लड़ रहा है। शायद ये मैच वो जीत नहीं पाएंगे, लेकिन बैटिंग बहुत कमाल की है, बहुत कमाल की बैटिंग। कहां पर ये लग रहा था कि शायद जो है वो साउथ अफ्रीका की टीम 180 भी ना बना पाए, और कहां पर अभी जो है वो 4 बॉलें बाकी हैं, बल्कि 3 बॉलें बाकी हैं, और जो है वो 3 बॉलों पे 18 रन चाहिए। मैच शायद साउथ अफ्रीका हार जाए, लेकिन फाइट बहुत कमाल की साउथ अफ्रीका ने फिलहाल अभी तक किया है। और मार्को जैनसन अकेला खड़ा था और अब ये जो है वो आउट हो गया है, आउट हो गया मार्को जैनसन, वाह आउट हो गया है। और इंडिया ने ये मैच भी जीत लिया, पहला मैच इंडिया की टीम ने जीता, दूसरे मैच में साउथ अफ्रीका ने कमबैक किया, और तीसरा मैच दोबारा से इंडिया की टीम ने जीत लिया है। और क्लासन की बेहतरीन बैटिंग भी जो है वो साउथ अफ्रीका को ये मैच नहीं जिता सकी, क्योंकि क्लासन के साथ किसी और बल्लेबाज को भी इसी तरह की बैटिंग करनी थी, ये रन जो है वो 220 का चेस करने के लिए, जो कि कोई कर नहीं सका। मिलर ने थोड़ा सा साथ दिया, लेकिन अक्षर पटेल का वो अनबिलीवेबल कैच जो है वो मिलर को जो है वो साइड पे कर दिया उसने, और इस तरह से इंडिया ने बड़े आराम के साथ ये मैच जो है जीत लिया है। पहले जो आपको मालूम है कि इंडिया की टीम ने बैटिंग की हुई थी, और आज जो है वो अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा का कलहाड़ा चला और उसके सामने कोई टिक नहीं पाया। पहले अभिषेक शर्मा ने जो है 25 बॉलों पे 50 रन, 3 चौके 5 छक्के, 200 के स्ट्राइक रेट से, और उसके बाद जब अभिषेक शर्मा आउट हुए तो तिलक वर्मा ने कलहाड़ा चलाया और अपनी जो पहली T20 की सेंचुरी बना दी। 56 बॉलें 107 रन, 8 चौके 7 छक्के, 191 का स्ट्राइक रेट, और इस बैटिंग के बाद इंडिया को किसी और की बैटिंग की इतनी जरूरत ही नहीं पड़ी। साथ में थोड़ा साथ रमनदीप ने भी दिया, हार्दिक पांड्या ने भी दिया, और इंडिया की टीम ने 220 का टारगेट सेट कर लिया। हाँ, अगर बाकी सारे भी जो आप आखिरी ओवर्स में रन बना पाते शायद ये 220-240 होता, ठीक है, लेकिन जितना इंडिया ने बनाया वो भी जो इंडिया ने बड़े आराम के साथ जो है वो डिफेंड कर लिया। और बहुत कमाल की बैटिंग जो है वो खास करके तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा की जानब से देखने को मिली है। अभिषेक शर्मा इनिंग्स ड्यू थी, क्योंकि इतने जो है वो मैचेस हो गए थे, परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी, और अब जो बातें हो रही थी यार अभिषेक शर्मा क्या जल्दी जो है खिला लिया गया है, क्या अभिषेक शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में जो है उस तरह से अभी नहीं सेटल हो। इंडिया ने तीसरे T20 मैच में दक्षिण अफ्रीका को 11 रनों से करारी शिकस्त दी और भारत 2-1 से इस T20 सीरीज में आगे हो गया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 219 रन का स्कोर खड़ा किया और जवाब में उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम 11 रनों से हार गई। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा के शानदार बैटिंग के बदौलत 219 रन का स्कोर खड़ा किया और 220 रन दक्षिण अफ्रीका को बनाने थे। दक्षिण अफ्रीका ने शानदार साझेदारी तो की, मगर वो जीत जिलाने में सफल नहीं हो सके। भारत की शानदार गेंदबाजी के आगे वे चारों खाने चित हो गए। भारत के सबसे सफलतम गेंदबाज T20 के अर्शदीप सिंह रहे। अर्शदीप सिंह ने लास्ट ओवर में जो बड़े महत्वपूर्ण विकेट लेते हुए भारत की झोली में यह मैच डाल दिया। भारत ने दक्षिण अफ्रीका से दूसरे T20 मैच में हार का बदला ले लिया और अब यह 4 T20 मैचों में भारत 2-1 से आगे है। भारत की बी टीम कही जाने वाली ने ऐसा धमाल मचाकर रखा है कि दक्षिण अफ्रीका के ए टीम से कहीं भारी पड़ रही है। न्यूजीलैंड के हाथों मिली हार में लोग इंडिया को घर का शेर कह रहे थे, मगर अब दक्षिण अफ्रीका में सेंचुरियन में जिस तरीके से भारतीय बल्लेबाजों ने धमाल मचाया कि अब विराट कोहली और रोहित शर्मा की कमी नहीं खल रही है।